नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि विदेश योग ये कब कब बनता है, हस्तरेखा के माध्यम से कैसे हम जाने। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है, और इसके पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे उद्गम के बारे में बताती है, हमारे करियर के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे एक दूसरे के संबंध के बारे में बताती है, एक दूसरे के नजदीकी के बारे में बताती है कि हम एक दूसरे के साथ कितना करीब है। तो आज हमने बात की है कि विदेश योग बनता कैसे है। जब भी मन की बात हो, दूर की बात हो, तो हम चंद्रमा का पर्वत देखते हैं। ये चंद्रमा का माउंट है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं। चंद्रमा का पर्वत जब भी दूर देश की बात करनी हो, विदेश की बातें करनी हो, तो चंद्रमा का उच्च अवस्था में और अतिवश्यक है कि ये माउंट जो है थोड़ा सा उभार लिए हुए हो, उठा हो, इसकी पावर को बरकरार बताता है। और जब मन की बात हो तो चंद्रमा की बात क्यों ना हो, विदेश की बात हो तो चंद्रमा की बात क्यों ना हो, इस विदेश के योग में यह काफी उचित माना जाता है। अब कहते हैं कि मन की बात हो और यह चंद्रमा का पर्वत उठा हो, शक्ति को दर्शाता है कि आपके अंदर एक शक्ति है। कहां पे? मन की स्थिति को मजबूत करने के लिए। मन की स्थिति को मजबूत तब होता है जैसे आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपकी मन की इच्छाओं की कब पूर्ति होती है? जब आप जो अपने जीवन में चीजें पाना चाहते हो या करना चाहते हो उस चीज में सफल बन जाते हैं, तो मन की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो विदेश की यात्रा, कई बार लोगों के दिमाग में बातें आती है कि हमने विदेश की यात्रा करनी, तो कब करनी है और किस समय करनी है। यह पर्वत उच्च का हो, उठा हो, और यहां पर एक त्रिकोण बनता हो। त्रिकोण की साइन जो होती है, विदेशों से धन, विदेशी धरती से धन, विदेश की यात्रा से धन को अर्जित करता है। विदेश की यात्रा होगी और विदेशी धरती से आपको, विदेश की यात्रा से आपको धन अर्जित के बारे में संकेत बताता है। और इसी प्रकार से जब विदेश की बातें करते हैं तो जीवन रेखा से कोई रेखा, जीवन रेखा से कोई रेखा चंद्रमा की तरफ इंडिकेशन करते हो, यह विदेश की यात्राओं के बारे में बताती है। अब हम भाग रेखा को भी देखेंगे। यह भाग रेखा प्रबल होनी चाहिए। जब भी हमारी स्थिति मजबूत होती है तो भाग रेखा को अवश्य देखते हैं। हमारी भाग रेखा की अवस्था में क्या कुछ दर्शा रही है, किस स्थिति को दिखा रही है, तो वो स्थिति हमारे हाथ में, उसको देखना अवश्य है। अगर हमारे हाथ की स्थिति में धन रेखा की स्थिति मजबूत बनती है तो आप उस स्थिति में आप किसी भी कार्य को करते हैं तो सफल हो जाते हैं। और इसी प्रकार से ये जब विदेश की बात करते हैं तो विदेश में जाके धन कमाने की बात होती है। जब धन कमाएंगे तो विदेश से कमाएंगे। कई लोगों के जहन में होता है कि हम विदेश में जाकर बसेंगे या वहीं पे सेटलमेंट हो जाएंगे, सवाल ये भी है। लेकिन विदेश की यात्रा जब कोई जीवन रेखा से चंद्रमा के पर्वत की तरफ देखती हुई रेखा हो, ये विदेश की यात्रा को दर्शाती है। जब भी आपको इंडिकेशन जीवन रेखा से जिस एस में ये
चंद्रमा की तरफ देखती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम विदेश की यात्रा करते हैं और विदेश की यात्रा उस एज में करते हैं। अगर एज की कैलकुलेशन यहां पे हम करते हैं तो ये एज के अकॉर्डिंग ये हमारा 54 का एज होता है, ये 54 का एज होता है। अब इसके पहले आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो कि किस अवस्था में किस एज में हम विदेश की यात्रा करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है विदेश की यात्रा के लिए शनि रेखा से कोई इंडिकेशन शनि की तरफ होना चाहिए। जिस अवस्था में शनि की तरफ इंडिकेशन करती है, शनि की तरफ देखती हो, इस तरफ ये क्या दर्शाती है कि आपको अधिक धन या विदेश के जाने का आगमन हो चुका है। आप इस एज में आप विदेश में जाके पैसा कमाएंगे, नेम फेम भी कमाएंगे, तो आपकी विदेश यात्रा भी होगा। अब कई बार क्या होता है कि हम विदेश में जाके बस जाएंगे, तो ये स्थिति भी दर्शाती है कि अगर आपके हाथ में लास्ट में ये स्थिति मजबूत बनती है तो आप विदेश में जाके बस सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।